वन टू फोर वाई एक्स सिक्स एंड थ्री फाइव आर द वर्टिसेज ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर एंड फाइंड एक्स एंड वाई, दिस इज एक्स एंड वाई दिस अननोन, ये हमको पता नहीं है, इसको फाइंड करना है। देखिए और भी दूसरा चीज़ क्या कह रहा है कि ये जो है एक पैरेललोग्राम है और ये चारों जो आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ये किसके हैं, पैरेललोग्राम के हैं। तो एक चीज़ अब थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम के बारे में हमको जानना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे पैरेललोग्राम मान लीजिए ए बी सी डी, तो गिवन डेट पॉइंट ए, ए पॉइंट को हमें लिख दिया वन एंड टू, बी को फोर एंड वाई, सी को एक्स एंड सिक्स, डी को थ्री एंड फाइव। कह रहा है कि ये तो हमने कोऑर्डिनेट लिए गिवन दैट पॉइंट ए बी एंड डायगोनल, डायगोनल ए सी एंड बी डी। ये जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये जो है इसके बराबर होगा, ये वाले इसके बराबर, दोनों डायगोनल एक दूसरे के क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। वही डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर, देयरफॉर जिसके कारण क्या होगा, डायगोनल ऑफ ए सी का मिड पॉइंट और डायगोनल ऑफ बी डी का मिड पॉइंट दोनों इक्वल होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब ये जो डायगोनल ए सी है इसका मिड पॉइंट और कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट बी डी। जैसे सपोज दैट कि मान लीजिए कि मेरे पास दो मार्कर है तो इसका एक मिड पॉइंट है, इससे दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाए। तो इसके लिए हमें तो अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी जिसमें ये जो है दोनों का सेम रेशियो होता है, तो इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं और बी डी का ही मिड पॉइंट ईजिली निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूला से, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड टू बराबर लिख देंगे हम किसके डायगोनल को, ये डायगोनल ए सी की बात कर रहा है, बराबर डायगोनल बी डी, तो बी डी को, तो यहाँ पे जो है मिड पॉइंट दिया हुआ है इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि एम वन और बराबर एम टू दोनों सेम है, तो ए सी के लिए लिखा जा सकता है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी के लिए वन प्लस एक्स डिवाइडेड टू, टू प्लस सिक्स डिवाइडेड टू, ये किसके कोऑर्डिनेट हैं, किसके, ए सी के। और बी डी के लिए भी क्या हो जाएगा कि डी नंबर लिख दिया, डी का वैल्यू है थ्री और फाइव, फोर प्लस थ्री बाई टू और फाइव प्लस वाई बाई टू। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इसका मतलब जो, तो यहाँ पे जो है मिड पॉइंट दिया हुआ है इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि एम वन और बराबर M2 दोनों सेम है, तो AC के लिए लिखा जा सकता है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC के लिए 1 प्लस एक्स डिवाइडेड टू, टू प्लस सिक्स डिवाइडेड टू, ये किसके कोऑर्डिनेट हैं, किसके, AC के। और BD के लिए भी क्या हो जाएगा कि D नंबर लिख दिया, D का वैल्यू है थ्री और फाइव, फोर प्लस थ्री बाई टू और फाइव प्लस वाई बाई टू। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इसका मतलब जो एक्स का इसका कोऑर्डिनेट होगा इसके एक्स के कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो वन प्लस एक्स बाई टू, फोर थ्री सेवन बाई टू के इक्वल टू हो जाएगा और सिक्स टू एट, एट बाई टू इसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, फाइव प्लस वाई बाई टू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, टू से टू प्लस टू एक्स इक्वल टू सेवन, टू जा फोर्टीन, टू एक्स इक्वल टू ट्वेल्व, ये टू इधर आ जाएगा, एक्स इक्वल टू सिक्स, एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ गया, सिक्स आ गया। अब यहाँ पे इसको कट भी कर सकते हैं, तो फोर टू जा एट, फाइव प्लस वाई, वाई इक्वल टू लिख सकते हैं एट माइनस फाइव, तो वाई इक्वल टू थ्री, जो हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मालूम चल गया। देखिए इस क्वेश्चन में एक लॉजिक सेम यही था कि इसका जो डायगोनल जो होता है एक दूसरे को जहाँ बाइसेक्ट करते हैं ये पॉइंट दोनों का क्या होगा, सेम होगा, तो हम उसी तरह ए सी का मिड पॉइंट निकाल दिए और बी डी का मिड पॉइंट निकाल दिए और दोनों के एक्स एक्सिस एक्स
कोऑर्डिनेट एक्स के बराबर होगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई के बराबर होगा। ये वीडियो पसंद